करण जौहर के बैनर धर्मा प्रोडक्शन ने शुक्रवार की शाम सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए आधिकारिक बयान में कहा कि अभिनेता कार्तिक आर्यन को उनकी आगामी फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ भाई भतीजावाद के आरोप लगने शुरू हो गए। ऐसे में अभिनेत्री कंगना रनौत ने निर्माता करण जौहर पर निशाना साधा है। कंगना ने बीती रात एक के बाद एक 3 ट्वीट करके कार्तिक को अपना समर्थन दिया है और उन्होंने कहा कि उन्हें उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है जो फिल्म से बाहर होने को उनके रवैये को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने लिखा, कार्तिक की अब तक की कामयाबी उनकी अपनी है और वह आगे भी कामयाब होते रहेंगे। पापा जो और उनके नेपो गैंग क्लब से विनती यही है कि वे उसे अकेला छोड़ दें और सुशांत की तरह उसके पीछे लगकर उसे भी लटकने के लिए मजबूर न कर दें। कार्तिक को निशाना बना रहे लोगों को उन्होंने गिद्ध और चिंदी नेपोस भी लिखा। इसके बाद उन्होंने कार्तिक का हौसला बढ़ाने के लिए ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, कार्तिक इन चिल्लरों से डरने की जरूरत नहीं है। इस विवाद की वजह तुम्हारे रवैये को बताकर और शरारती लेख लिखवाकर ये जड़बुद्धि लोग अब सम्मानजनक चुप्पी साधना चाहते हैं। इन्हीं लोगों ने SSR के खिलाफ नशेबाजी और गैर जिम्मेदाराना रवैये की भी बातें फैलाई थी। अपने आखिरी ट्वीट में कंगना रनौत ने कार्तिक को अनुशासित होने की सलाह भी दी है। उन्होंने लिखा, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। जिसने तुम्हें बनाया नहीं वह तुम्हें तोड़ भी नहीं सकता। आज तुम बहुत एकाकी और सब तरफ से खुद को निशाने पर महसूस कर रहे होगे। ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है। हर कोई इस ड्रामा क्वीन जो के बारे में जानता है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखो और अनुशासित बनो। ढेर सारा प्यार। INS रिपोर्ट।